जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल वेब स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में मैंने लगभग सभी परसेंटेज के जितने भी टाइप है आपको पूरे करा दिए हैं, और आज हम परसेंटेज के वे क्वेश्चन कराएंगे जो UPSI में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आगे अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो दोस्तों देखो, ये क्वेश्चन है, ये जो आया हुआ है UPSI में 17 जुलाई 2017 में आया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको आप देखो और करो, सबसे वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सा क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन में देखकर। ठीक है जी, ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से एक इसका आंसर है, बताओ क्या आएगा। ठीक है जी, तो देखो कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में 800 छात्र है। ठीक है जी, यदि 30% छात्र लड़कियां है, ठीक है जी, तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं ये हमें बताना है। यानी कि एक स्कूल है उसमें 800 छात्र है कुल, उसमें से 30% तो लड़की होगी, हमें बताना है लड़कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 800, 30% क्या होगी लड़की। अब देखो जी, यहाँ पर मैंने लिखा कुल छात्र कितने हो जाएंगे हमारे, दिए हुए हैं 800, लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियां है हमारे 30%, हर चीज़ कितनी होती है 100%। अब 100% में 30% क्या होगी लड़कियां, तो लड़के कितने बच गए, लड़के हो गए हमारे 70%। ठीक है जी, अब लेकिन इन्होंने प्रतिशत में तो पूछा नहीं, इन्होंने पूछा संख्या में, तो कुल छात्र कितने हैं 800 का 70% निकाल लो जी, 70% ये हो गया हमारा, कितना आ जाएगा आंसर, 2 0 से 2 0, 8 7 56, यानी कितना हो गया 560, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 80 का 30% कितना बड़ा है 25 के 4/5 हिस्से से। ठीक है जी, यानी कि दो संख्या दे दी, इन दोनों संख्या में हमें अंतर निकालना है कौन सा कितना बड़ा है। ठीक है जी, देखो कैसे करेंगे, 80 का 30% कितना हो जाएगा, 80 का 30%, अब देखो 30% प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 8 से कितना हो जाएगा 24, यानी कि इस वाले हिस्से का कितना आ गया 24, और दूसरा हिस्सा क्या है हमारा 25 के 4/5, यानी कि 5 से कट जाएगा 5 बार 5 चौक 20। ठीक है जी, यानी कि ये आ गया हमारा एक तो 24 और एक आ गया हमारा 20, तो ये हमारा इससे कितना बड़ा है 4 बड़ा। ठीक है जी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, ये भी UPSI 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको पीछे वीडियो में करा दिए है, तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके इसका आंसर बताओ। ठीक है जी, और देखो हम इसको छोड़ कर आ रहे हैं, कैसे होगा देखो, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। ठीक है जी, और दूसरे वर्ष में उसमें 5% की ह्रास यानी कमी हुई है, तो दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जो जनसंख्या है 47,880 थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी कि उसकी कोच की यानी गांव की जनसंख्या कितनी थी पहले साल, ये हमें बताना है। सबसे पहले क्या हुआ है, 5% की वृद्धि हुई है, 5% की क्या हुई है वृद्धि, 5% कितना होता है 1/20। ठीक है जी, यानी कि कितना हो गया 20 से हो गया हमारा 21। ठीक है, दूसरे वर्ष में क्या हुआ है 5% की हानि हुई है, 5% यानी कितना होता है 1/20, यानी 20 से कितना हो जाएगा इस बार 19, क्योंकि इस बार क्या हुई है कमी, तो इन दोनों का यहाँ से इनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 20 × 20 कितना हो जाएगा हमारा 400, और 21 × 19 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 399। ठीक है जी, 399। ठीक है, और लेकिन क्वेश्चन में जो 399 की वैल्यू किसके इक्वल दी है, ये दी है हमारी 47,880 के। ठीक है जी, ये अब देखो 399 47,880 का कितना गुना है, ये हो जाएगा इसका 120 गुना। ठीक है जी, कितना 120 गुना, तो प्रारंभ में जो संख्या होगी वो भी कितनी हो जाएगी 400 ना होकर कितनी होगी 400 की 120 गुना, यानी कितना 12 चौक 48 और 3 0 ये हो गई, यानी कितना हो गया 48,000। तो स्टार्टिंग में जो गांव की जनसंख्या कितनी थी 48,000 थी, ये इसका आंसर हो गया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 200% बढ़ा दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। ये हमारा क्वेश्चन है, कोई वृत्त है उसके जो त्रिज्या में 200% की वृद्धि कर दी तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ऑप्शन है ए बी सी और डी, यानी 400%, 600%, 800% और 100%। ठीक है जी, इसका आंसर बताओ कमेंट करके क्या आएगा। देखो कैसे करते हैं, इसके हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दो तरीके का इसका फॉर्मूला है। मैं देखो जी क्या है इसका फॉर्मूला, जो होता है 2x + x² / 100, ठीक है जी, प्रतिशत इसका ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है देखो जी, अब इसका फॉर्मूला क्या, इसको यहाँ पे यानी x की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, 200, यानी कि 2 × 200 + x², यानी कि 200 × 200 / 100। ठीक है जी, और ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा हमारा 2 × 2 = 4 यानी 400, और ये भी कितना हो गया हमारा 400 प्रतिशत, 400 और 400 कितना हो गया 800। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 800% की। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक बार देख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी पहले इसके ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या क्या होंगे। ऑप्शन है इसके 200%, 100% और 300%, और डी है हमारा 400%। ठीक है दोस्तों, तो बताओ कमेंट करके क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब देखो इसको आगे हम कैसे करते हैं। एक घन का प्रत्येक सिरा 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो इसका भी हम क्या लगा देंगे, इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, यानी कि वाला फॉर्मूला a + b + ab / 100%। ठीक है जी, इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देख लो भैया, a यानी कि अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, a बराबर क्या है हमारी b, क्योंकि प्रत्येक सिरे में कितने 100% की वृद्धि हुई, यानी कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, यानी कि 2a + a² / 100, यानी कि ये वाला फॉर्मूला तो है, लगा दो 2 × 100, a का मतलब 100 + a² यानी कि 100 × 2 और बटे 100। ठीक है जी, और ये प्रतिशत। ठीक है जी, ये 100 से पूरा 100 कैंसिल, यानी कि 100 × 200 + 100, तो टोटल कितने हो गए 300%, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखो फिर हमारा क्या आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी के 20% जो ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है तो सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा। ऑप्शन हमारा ए 5, 10, 15 और 20, इनमें से बताओ कौन सा आंसर आएगा। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन में दिया है जो ए है वो बी के 20% के बराबर है, यानी कि जो ए बराबर है बी का 20% के। ठीक है जी, सेकंड जो कंडीशन दी है हमारी वो दी है बी जो है वो सी के 25% के बराबर है। ठीक है जी, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी का रेशो निकाल लेंगे। 20% होता कितना, 20% होता हमारा 1/5 और 25% कितना होता है हमारा 1/4। तो यहाँ से क्या होगा, यदि मैं a बटे b यानी कि a और b का रेशो जो निकालू हो जाएगा हमारा 1:5। इसी तरीके से b अपॉन c कितना आ जाएगा हमारा 1/4। ठीक है, यहाँ से अगर मैं तीनों का रेशो निकाल लूँ a b और c, ठीक है जी, तो इनका रेशो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो हमारी b की वैल्यू कितनी है 5 है, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 1 है, तो दोनों जगह हमें ऐसा करना है कि दोनों जगह b की वैल्यू बराबर हो। मैं ऐसा क्या करूँ यहाँ पे जो b भी 5 बन जाए, यदि मैं ऊपर नीचे 5 के गुना करा दूँ, ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 5b/20। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ भी b 5 है और यहाँ भी b 5 है, a कितना है, a हो गया 1, b कितना हो गया 5 और c कितना हो जाएगा हमारा 20। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा आ गया a/b/c की वैल्यू 1:5:20। ठीक है जी, तो हमें क्या बताना है, तो c का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा। अब देखो c का कितने प्रतिशत a के बराबर, c कितना है हमारा 20, a कितना है 1, तो हमें बताना है, यानी जो c है, c
कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा, यानी कि एक बटे बीस, ये जो नहीं होगा मल्टीप्लाई बाई सो, ठीक है जी, क्योंकि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे सो से गुना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5%, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि मैच करो कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। लास्ट में पूछा था सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा, यानी जो सी है वो कितने प्रतिशत ए के बराबर होगा, ये क्वेश्चन था हमारा, तो यहाँ कितना 5% ए के बराबर हो जाएगा सी का, ठीक है जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, आगे देखो अब। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, एक आदमी अपनी आय का 68% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है, ठीक है जी, और वह अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे ये हो गए चार ऑप्शन, ठीक है जी, इनमें से कौन सा आंसर आएगा बताइए। देखो जी कैसे हुआ, इस तरह कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, मैंने पीछे करवाते आपको इस तरह के क्वेश्चन भी। देखो क्या कहा है, एक आदमी है वे अपनी आमदनी का 68% स्पेंड कर देता है, यानी खर्च कर देता है, टोटल आय होती कितनी है, मैंने कितनी बताई थी 100, टोटल आय हम कितनी मानते हैं 100 मानते हैं, अब 100 में से 68% तो खर्च कर देता है, यानी कि जो उसका खर्च है, खर्च कितना है 68%, ठीक है जी, यानी कि 68% उसका खर्च हो गया, और बचत कितनी होगी, यानी कि भाई 100 में से 68% खर्च कर दिए तो बचत कितनी होगी, 100 में से 68 घटा देंगे यानी कि 32% वो क्या करते हैं बचत कर लेता है, तो हमें बताना है तो वह अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है, यानी कि बचत खर्च पर बचत का प्रतिशत निकालना है, यानी कि 32/68, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम 100 से गुना, ठीक है जी, अब देख लो यहाँ से काट लो, अब देखो ये 4 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार, ये 4 से कितनी बार कट जाएगा 4×4, और यहाँ पे 2×4 से ये हो जाएगा हमारा 14×4 होता है, ठीक है जी, ये 14 नहीं सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 17×68, ठीक है दोस्तों, यानी कि अब हो गया हमारा क्या 8/17 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि कितना हो गया 800/17, अब हमें इसको सोल्व करना है, देखो जी 800/17 यानी कि कितनी बार चल जाएगा 17×68 और 17×85, तो ज़्यादा हो जाएगा यानी कि 5 बार, यानी कि ऑप्शन ना तो ये हो सकता ना ही ये हो सकता, अब इन दोनों ऑप्शन में देखो 17×68 यानी कि 80 में से 68 का कितने बच जाएंगे हमारे, यहाँ पे करके देख लो ये हो गया, अब देखो जी 17×68 यानी कि 2 और 1 12 उतार लिए 0 कितना हो गया 20, अब देखो यहाँ पे कितनी बार चल जाएगी 17×85 होता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए में 5 तक की चला रखी, तो 85 से तो ज़्यादा चल जाएगा, तो आगे हमें सोल्व करने की आवश्यकता ना, हम ऑप्शन से देखते ही बता देंगे कि ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 47.06% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या है, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है जी, ऑप्शन ये हो गए हमारे चार, इन ऑप्शन में से बताओ कौन सा ठीक होगा। क्वेश्चन क्या है, जब किसी संख्या के 75% में से 75 का योग किया जाता है, माना तो कैसे करेंगे, देखो माना संख्या हमने एक्स मान ली, संख्या क्या है एक्स है, अब भैया एक्स का 75% एक्स के 75% में यदि मैं 75 ऐड कर देता हूँ तो हमें सुमम वही संख्या मिलती है, यानी कि क्या मिलती है एक्स, तो हमें क्या करना है यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है जी निकाल लो, अब देखो 75% क्या होता है 3/4, ये मैंने आपको याद कराया था, ठीक है जी, अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, अब यानी कि ये पूरा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3×4, ठीक है जी, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी, अब क्या करेंगे इसके बटे में 1 मान लें, यानी कि इसका ले लेंगे हम एलसीएम, 1 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4, तो यहाँ से इससे इसको भाग करते हैं तो यहाँ पे कितना जो भी आया उसके इसके साथ गुना, यानी कि 4 से 4 को भाग करा 1 के गुना करा दिया हमने 3x में, तो 3x ऐसी कैसी प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अब क्या करेंगे 4 को 1 से भाग करेंगे, जब 4 को 1 से भाग करते हैं तो कितना आएगा 4, और उसकी गुना किस में ऊपर वाले में करा देते हैं, यानी कि 75×4 हो गया, 75×4 कितना होता है 75 चौका होता है हमारा 300, ठीक है जी, और बराबर क्या हो जाएगा एक्स, अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बट्टे में है तो बराबर से उसके गुना में चले जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना 4x, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करेंगे 3x को उधर ले जाएंगे, यानी 4x माइनस के 3x बराबर कितना 300, 4x में से 3x गए तो कितना है यानी कि 1x, ये कितना हो जाएगा यानी कि x बराबर 300, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 300, तो ऑप्शन कौन सा डी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों आगे देखो अब।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है 9 या 10 जो भी होगा देख लेना आप। क्या है, अगर y का 8/5% x है तो x का कितने प्रतिशत y होगा, ठीक है जी, ये हमें बताना है। क्वेश्चन में दिया है y का 8/5% क्या है x है, तो हमें बताना है x का कितने प्रतिशत y है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, x और y का रेशो निकाल लेंगे, यानी कि x बटे y बराबर कितना हो जाएगा 8/5%। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से भाग कर देंगे जी, यानी कितना हो जाएगा 8/500, ठीक है जी 8/500। अब हमें क्या बताना है, या तो इसको क्या नाम लेकर रहे, हाँ ऐसे कर लो या काटना चाह रहे हो काट लो, यानी कि 2 से कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा कितना, 2 से कटेगा 4 बार और ये हो जाएगा हमारा 250, यानी कि 4/4 ये हो गया हमारा 250, ठीक है जी। हमें बताना अब x का कितने प्रतिशत y है, अब देख लो जी x का कितने प्रतिशत है y, यानी कि क्या करना पड़ेगा 250/4 क्या करेंगे 4 × 100, यही तो होता है हमारा। अब इसको देख लो, यहाँ से काट लो, ये जो कटता है 4 से कितनी बार कट जाएगा ये हमारा 25 बार, ठीक है जी, यानी कितना हो गया 25 × 25 625 और एक 0 और प्रतिशत का चिन्ह, तो जो x है y का 6250% होगा, यही हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, देखो आगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली, ठीक है जी, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। ये भी हमारा यूपीएसआई प्रीवियस पेपर में आया हुआ, जो पेपर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो देखो कैसे करेंगे, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% अपराध की, 10% लोगों को अपराध की सजा मिली, जो मतलब अपराधी है 10% को अपराध की सजा मिली। हमने मान लिया कुल अपराधी मतलब जो कुल नागरिकों की संख्या जो है, माना कुल नागरिकों की संख्या 100 मान ली, ठीक है जी, नागरिकों की कुल संख्या कितनी मान ली 100। अब 100 में से यानी कि नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली, अब 100 का 10% कितना हो गया भैया, 10% यही तो होता है, 10% 100 का 10 ही आएगा, ठीक है जी, 100 में से 100 का 10% कितना हो गया 10, यानी कि 10 लोगों को अपराध की सजा मिली। उसके बाद परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच गए, अब भैया अपराधी टोटल कितने हैं 10, ठीक है जी, अब 10 में से 20% अपराध करने के बाद भी बच गए, यानी कि 10 का 20% कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने 10 का 20% निकाला तो कितना आएगा हमारा 2, यानी कि 10 में से 2 जो लोग हैं अपराधी है वो बच गए, तो अब सजा कितने को मिली, यानी कि 10 − 2 बराबर कितने 8, ठीक है जी, जो टोटल जो सजा मिली, जो सजा मिली है कितने अपराधियों को मिली है, कुल 8 को। तो आगे कहा है, तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत अपराधी है, नागरिकों की कुल संख्या कितनी मानी है 100, अपराधी कुल कितने हैं अब 8, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है 8, यानी कि 8 का हमें 100 से अनुपात निकालना होगा। अब देख लो कितना होगा, ये 50 और ये कट के कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हाँ जी 4, ठीक है, ये हो गया हमारा 4 और कट जाएगा 2 से 2 और ये कट गया हमारा 25, ठीक है जी, यानी कि 25:2 आ गया। अब प्रतिशत में करना तो कैसे करेंगे, प्रतिशत के लिए कैसे करते हैं हम, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, इससे इसको भाग कर दो कितना हो गया 12.5, ठीक है जी 12.5%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है जी, ये हमारा आंसर, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा डी। आगे देखो अब, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, हमें ये क्वेश्चन करना। तो मान लेंगे हम वह संख्या क्या है, हमने मान लिया वह संख्या x है, तो x का 40% 650 के 20% से कितना अधिक है 190,
ठीक है जी। तो ये संख्या बताओ, तो क्या निकालना होगा हमें यहाँ से, x की वैल्यू निकालनी है। देखो जी अब करो कैसे करेंगे, 40% क्या होता है यहाँ पे निकाल के देख लो, 40% का मतलब 100 से भाग कर देंगे, 0 से 1 0, 2 से काट देंगे और ये 2 से कट जाएगा, यानी कितना हो गया 2/5, यानी 40% कितना आ जाएगा हमारा 2/5। इसी प्रकार 20% कितना होता है हमारा 1/5, ठीक है जी। अब ये यहाँ से काट दो, कितनी बार कट जाएगा 13×5, 65, ठीक है जी, और 1 0 ये, तो यहाँ पे कितना होगा 130 प्लस 190, इनको भी ऐड कर दो 0 ऐसी, और ये 9 और 3 12 का 2 का 1 और 1 2 2 और 1 3, यानी कि 332, और ये कितना हो गया यानी कि 2x/5 = 332। अब ये 2 से ये भी कट जाएगा कितनी बार 16, यानी कि 160 हो गया, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, अब ये 5 यहाँ बटे में है तो चले जाएगा गुना में, यानी कि 160 × 5, तो 16×5 = 80 और 1 0 ये, तो कितना वह संख्या कितनी हो जाएगी 800, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार और देख लो, एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, ठीक है दोस्तों। तो वह संख्या बताओ, मान लिया वह संख्या हमने x है, ठीक है जी, x का 40%, 40% कितना हो गया 2/5 बराबर 650 के 20%, यानी कि 20% बराबर कितना 1/5, कितना अधिक है, अधिक है यानी कि जोड़ देंगे 190। अब यहाँ से क्या करा, इक्वेशन बन गई, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी, x बराबर कितना आ गया 800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो छात्र रणबीर और रणवीर, एक हमारा रणबीर है एक है हमारा रणवीर, एक परीक्षा में बैठे, रणबीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए, यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% ठीक है 56% थे, तो अंक क्रम से रणबीर और रणवीर के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, माना जो रणवीर है, रणवीर के अंक x मान लिए, ठीक है जी, और रणवीर कितने 6 अंक अधिक प्राप्त करता, तो रणवीर के कितने हो जाएंगे, रणवीर के अंक कितने हो जाएंगे x+6, ठीक है जी। आगे कहा यदि रणवीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% था, ठीक है, तो क्रम से रणवीर और रणवीर के अंकों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने होंगे, तो जो रणवीर है यानी कि x+6 और जो रणवीर प्लस और रणवीर के अंकों का जो योग कितने प्रतिशत के बराबर था, 56% के बराबर था, ठीक है जी। यहाँ से क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो 56% है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग कर लेंगे, ठीक है जी, इसको यहाँ से काट लो, चाहे काट के जितने भी कटता है काट लो, 14 चौका 56 और ये 4 से कटेंगे 25 चौका 100, यानी कितना होगा ये हो जाएगा हमारा 14/25। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 14/25, ठीक है दोस्तों। एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 2x, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व कर लो, ये यहाँ बटे में तो इसके चले जाएगा गुना में, यानी कि 25x+6 = 2x+6 × 14, ठीक है जी। अब यहाँ से इसके अंदर गुणा करा देंगे, 25 की x में कराएंगे तो 25x और 25 की 6 में कराएंगे 25 का 150 = कितना हो जाए, 14 × 2x = 14×28x और 14 × 6 में कराएंगे 14×6 = 84, ठीक है जी, ये होगी। अब देखो x वाले एक तरफा कर लो, विदाउट x एक तरफा, यानी कि 25x और 28x एक अगर मैं एक तरफ ले जाऊँ, यानी कि 28x - 25x हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस, क्योंकि इधर प्लस है बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 84, ठीक है जी। यहाँ पे 28x में से 25x जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 3x, यानी कि 28x में से 25x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3x बराबर, ऐसे यहाँ से 84 हमारा जो 150 में से 84 घटाएंगे कितने, यानी कि 0 10 6, यहाँ पे कितने बच गए हमारे 14 8 6, ठीक है जी। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3 × 6 और 3 × 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया 22, x किसकी वैल्यू थी, रणवीर के अंक कितने हो गए 22
और रणबीर कितना है एक्स प्लस सिक्स, यानी कि ये तो हो गया हमारा 22, और जो रणबीर, रणबीर कितना हो जाएगा यानी कि 22 प्लस 6 इजिकल टू 28। तो रणबीर और रणबीर के अंक कितने, रणबीर हो जाएगा, रणबीर के जो अंक होंगे वे 22 और रणबीर के हो जाएंगे हमारे 28, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तरीका तो ये है हम जिस तरीके से इसको कर सकते हैं, जो एक्स मान के, यदि हमें विदाउट एक्स, हमें एक्स नहीं मानना, विदाउट एक्स के करना तो कैसे करेंगे वो भी देखो। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे मैं बताता हूँ विदाउट एक्स कैसे करते हैं। देखो जी, यदि हमें विदाउट एक्स से करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी प्रतिशत वैल्यू दी है उसको उठा लो, कितने प्रतिशत, 56%, ये हो गई हमारी 56%। भाई प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं हम, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाइज करके कितना आ जाता है हमारा, 14/25, ठीक जी, ये आ गया हमारा 14/25। अब जो ये नीचे वाली संख्या, ये हो जाएगी हमारी दोनों की, यानी कि रणवीर और रणबीर, ये हो गया हमारा आर फोर रणवीर और आर बी हो गया रणबीर, ठीक है जी। रणवीर प्लस रणबीर की संख्या, टोटल मार्क्स की संख्या हमने मान ली 25 है, और जो ये ऊपर वाली संख्या होती है ये होती है हमेशा रणवीर, मतलब जो दूसरे वाला बचता है, यानी कि ये होगी हमारी रणवीर की, क्योंकि जो रणबीर है उसको तो अधिक मिल रहे हैं ना रणवीर से, तो रणवीर की वैल्यू कम रहेगी, तो मान ली हमने कितनी होगी हमारी 14। अब देखो ये अगर हमारी आर यानी कि रणवीर और रणबीर कितना है हमारा 25 और अकेला रणवीर कितना है 14, तो या यदि मैं रणबीर के अंक निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 14 यानी कितने हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे कितने 11, ठीक है जी, 11 तो बचेंगे, ये बच गए हमारे रणबीर, आ गया हमारा 11, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे क्या होगा, अब देख लो इन दोनों का अंतर, रणबीर और जो रणवीर है इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस 11 कितना 3, और लेकिन जो क्वेश्चन में रणवीर से रणबीर जो कितना अधिक है 6 अंक अधिक है, ये यहाँ पे देखो दोस्तों हमने एक छोटी सी गलती कर दी, जो ये अंक है ये रणबीर के ले लो आप, ठीक है जी, ये रणबीर हो गया और ये हो जाएंगे हमारा रणवीर, ठीक है जी। अब ठीक है, अब देखो जो रणबीर है वो रणवीर से कितना अधिक है 3, लेकिन क्वेश्चन में कितने अंक अधिक मिल रहे हैं 6, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है 6 के, इसका कितने गुना 2 गुना, ठीक है दोस्तों। तो जो अंक हो गए वे भी 2-2 गुना अधिक हो जाएंगे, यानी कि जो रणबीर है, रणबीर के अंक कितने हैं हमारे 14, 2 गुना अधिक है, तो यहाँ इसमें भी 2 के गुना, तो टोटल कितने हो जाएंगे 28। इसी प्रकार जो रणवीर है, रणवीर की वैल्यू कितने अंक है 11, और कितने गुने अधिक है 2 गुना, तो ये भी कितने हो जाएंगे 22। तो हम इस प्रकार से भी विदाउट एक्स के इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जो रणबीर 28 के, रणबीर के जो अंक होंगे वे कितने होंगे 28, और जो रणवीर है उसके कितने आ जाएंगे 22, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और नेक्स्ट आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक्स का 50% वाई, यदि एक्स का 50% वाई और 20 के योग के बराबर है, यहाँ पे ये कोमा है, ठीक है, यदि एक्स का 50% वाई और 20 के योग के बराबर है तो एक्स माइनस 2y का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे चारों ऑप्शन है 40, 50, 45 और 50, ये 50 दो बार हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मान लो आप 55 कर लो, ठीक है दोस्तों। अब देखो कैसे करेंगे इस तरीके क्वेश्चन को, हम करते जी एक्स का 50%, ये हो गया हमारा एक्स का 50% y और 20 के योग के बराबर है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो हमें वैल्यू जो निकालनी है x माइनस 2y के निकालनी है। अब देखो जी 50% कितना होता, आपको मैंने याद करवाया था स्टार्टिंग में, 50% होता है 1/2, यानी 50% के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये इधर किसके, x के बटे में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा x/2, यही तो है ये। अगर मैं इसके 2 के इधर इसके साथ में गुणा करा दूंगा, बराबर से दूसरी साइड में जाएगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y + 40, यानी कि 20 × 2 = 40। अब क्या करना, हमें वैल्यू निकालनी x माइनस 2y की। यदि मैं 2y को बराबर से इधर ले आऊँ तो हमारा यही बन जाएगा, यानी कि x माइनस 2y बराबर 40, हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी। तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी, ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा।
आज हमने जो परसेंटेज के टोटल आपको क्वेश्चन करा दिए, आज हमारी जो लास्ट वीडियो थी परसेंटेज की, ये भी हमने आपको जो भी हमारे प्रीवियस पेपर में अब तक आए हुए क्वेश्चन थे वो भी करा दिए, परसेंटेज जो टॉपिक हमारा चल रहा था। कल हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, या तो हम परसेंटेज वो चलाएंगे, रेशोइंट पर रेशो वाला चला सकते हैं, अनुपात या समानुपात या प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे किस हिसाब से। कल जो हमारा नया टॉपिक होगा हम आपको बता देंगे। दोस्तों आप हमारे जो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताते रहे कहीं पे आपको कुछ कमी तो नहीं लग रही है, वो हम फिर आगे देख लेंगे। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा जो चैनल है यूट्यूब। तो दोस्तों वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप मतलब हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि हमें आगे कौन सा जो भी आपको मतलब टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में कमेंट करके हमें बता दीजिए, हम उसी टॉपिक पर पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल फिर आपको एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद। सुनते